हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक और खुशी की न्यूज़ आ चुकी है। सो प्लीज़, जिस फ्रेंड्स ने भी KGMU का फॉर्म डाला है, वो अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर दें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिसने भी KGMU का फॉर्म भरा है, KGMU के लिए प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर दें और मोस्टली अच्छे से पढ़ें, बेस्ट पढ़ें। जिसको आपने पढ़ रखा वही आप रेफ़र करते रहें, इधर उधर नई चीज़ को रेफ़र ना करें, ठीक है। आज 9 अक्टूबर हो चुका है, ठीक है, और 26 नवंबर को पेपर है। तो अभी तो कम से कम 50 डेज़ हमारे पास हैं, और 50 डेज़ का मतलब है अगर पर डे हम पाँच दिन एक सब्जेक्ट को दो देते हैं, भी थोरी पढ़ते हैं, मतलब नोट्स जो हमने बना रखे उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं, तो आराम से अपना सिलेबस कवर हो सकता है। सो प्लीज़ गाइस, सेशंस को भी मिस ना करें। आज का सेशन स्पेशली KGMU के अकॉर्डिंग है। किसके स्पेशली KGMU है तो सभी के लिए, लेकिन स्पेशली KGMU के लिए। सो प्लीज़ ऑल फ्रेंड्स, हमसे जुड़ें और हमारी RNA टीम के साथ जुड़ें और प्लीज़ हमारा सहयोग दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ओके फ्रेंड्स। प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR, ठीक है। मान लीजिए ये एक पेशेंट है, ठीक है, और आपको इसको चेस्ट पर CPR करना है। जब आप चेस्ट कर रहे हो, CPR करोगे, उस दौरान होने वाला सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? तो देखिए, जब भी हम किसी को पेशेंट को CPR करेंगे, तो आप ही बताइए, जब आप चेस्ट को, अपने हाथ को इसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर, रिब्स कैप्स के ऊपर प्रेशर करोगे, तो क्या होगा? क्या वॉमिटिंग करेगा पेशेंट? तो वॉमिटिंग का तो कोई चांस नहीं, GI ब्लीडिंग भी नहीं होगा, हर्निया भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रिब फ्रैक्चर, जो रिब्स हैं, कैप्स हैं, अगर प्रेशर पॉइंट हम ज़्यादा लगाते हैं तो रिब्स फ्रैक्चर, हमारा रिब्स हैं जितनी, फ्रैक्चर होने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि रिब्स फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद पेशेंट को वोमिटिंग आई, ब्लीडिंग आई, वो चीज़ अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रिब्स फ्रैक्चर इज़ द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़, पर डे अब मेरी क्लास आपको 5 बजे देखने को मिलेगी। अब पर डे 2 सेशंस होंगे, एट AM DP सर दिखेंगे आपको, ठीक है, और 5 PM आपको इंद्रजीत सर आएंगे। सो प्लीज़ आप सभी जितने भी बच्चे हैं, आप सेशंस को मिस ना करें, हमसे जुड़ना ना भूलें। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जॉब छोटी हो या बड़ी कोई मायने नहीं रखता। पहली बात तो हमारे गवर्नमेंट शब्द लगना चाहिए फर्स्ट, देन देखिए अगर आप कॉन्टेक्ट पर और रिटर्न एग्ज़ाम दे के लगते हो, तो कोई माई का लाल नहीं या कोई की माई की लाली नहीं जो आपको हटा दे, फर्स्ट तो ये। देन देखो, हर एक चीज़ में समय लगता है। पेड़ है, अगर उसको बड़ा होने में भी समय लगता है, बच्चा है उसको भी बड़ा होने में समय लगता है, ठीक है, और हमारी उम्र ढलती जाती है, तो इसमें भी एकदम नहीं ढलती, इसमें भी समय लगता है। सॉरी गाइस, सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में कॉल आ जाते हैं, कष्ट के लिए खेद था, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम द, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को गलत पढ़ना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जल्दबाजी करना, ठीक है। फेस मास्क नहीं होगा, नॉन रिवर थाग मास्क भी नहीं हो रहा, नेजल कैनुला भी नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चे इसमें NRM करेंगे, बट NRM नॉन रिवर थिक मास्क नहीं होगा। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर वेस्कुरी मास्क होगा, ओके फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपका एक सब्जेक्ट अपना फंडामेंटल है, फंडामेंटल आपने सुना है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, लिहाजे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के। दूसरा,
नॉर्थ स्टेट के लिए तो सबसे टॉप सब्जेक्ट है। इसका एक टॉपिक है, इसमें टॉपिक है एबीजी। अगर जिसने एबीजी टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझो कि पूरे फंडामेंटल अच्छे से पढ़ ली। फंडामेंटल पूरा सब्जेक्ट टफ नहीं है, एबीजी सबसे ईजी और सबसे टफ। अगर जिसको समझ आ गया तो एबीजी सबसे सरल, और जिसको समझ नहीं आया उसको सबसे टफ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जिन बच्चों को एबीजी लाइव पढ़ना हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब लोग मुझे बता दें। आपका बहुत शानदार, इसके बारे में एक शानदार सेशन लूँगा। जिसने एबीजी पढ़ लिया दोबारा कभी ज़िंदगी में उसको एबीजी उठाने की जरूरत नहीं, ना कभी भूलेगा। ओके फ्रेंड्स, शानदार तरीके से आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक पेशेंट है जो एडमिट है विद टेम्परेचर, देखो एक पेशेंट आया है वो एडमिट है और उसको टेम्परेचर आ रहा है 105, नेचुरल रेजिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, लिथार्जी मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड कर रहे हो, डायग्नोस शुड बी प्रिपरेशन। तो आप कौन सा डायग्नोस शुड बी प्रिपेयर्ड करोगे, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको देखनी है, देखने को मिल रही है मरीज़ में, ठीक है, आप हमेशा क्वेश्चन को अपने ऊपर डील करो और सोचो। तो सीटी स्कैन ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा, सीटोग्राम या कोल्ड कैलोरी टेस्ट करोगे, सीसीटी बोलते हैं जिसे, तो बेस्ट टेस्ट जो माना जाएगा वो एलपी माना जाएगा, बोले तो लंबर पंचर एलपी करेंगे। एलपी करेंगे सीएसएफ फ्लू को कलेक्शन करेंगे और उसको अपने नॉर्मल जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने लैब में रहने भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, तो ये किस में आएगा, डेंजरस इन मॉडल्स, इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स या मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक न्यूज़ में आपको बताना चाहता हूँ, जो डीपी सर द्वारा जो क्लास चलाई गई है वो क्लास हिंदी में ज़रूर है, बट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, शायद मे भी जब NHM का एग्ज़ाम हो तो वहाँ आपको बहुत लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो काफ़ी बच्चों की गुजर बोला था कि सर ये कराया जाए, तो इसी के अकॉर्डिंग वो क्लास ली गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपको बता रहे हैं, साथ के साथ उसका इंग्लिश भी आपको वहीं को ही बताया जा रहा है। तो कम से कम हमें ऐसा भी पता होगा कि थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था जो सर ने आपको बताया था हार्ट के लिए, ठीक है, तो ये हार्ट के चार चैम्बर सर ने बताए थे आपको, ठीक है, तो ये आपको खूब पता है, ये राइट है, ये राइट, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ अपना इन्फीरियर वेनी क्यूब होगा, यहाँ अपने सुपीरियर वेनी क्यूब होगा, ये पल्मोनरी हो गए, फिर यहाँ अपने लंग्स हो गए, लंग्स से बाइफरकेट होते हुए फिर अपने यहाँ चार पल्मोनरी वेन होगी, फिर यहाँ हो गया, यहाँ ये अपना बाइकस्पिड मिट्रल वाल्स हो गया, मिट्रल वाल्स से अपना एरोटा हो गया, एरोटा के द्वारा होल बॉडी में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक इंग्लिश, लेकिन सर ने जैसे राइट दाली नीली ये मुझे भी नहीं आते सच बताएं तो, बट आज मुझे भी देखने को मिला, सीखने को मिला, और हर एक क्लास से नई चीज़ देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार की अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, जिस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा उसको सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिल सकता है, तो राइट आंसर होगा DVT। ये ध्यान रख लेना, अगर ये क्वेश्चंस DVT का क्वेश्चन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ईयर एम्बोलिज्म, हेपेरिंस, अगर ये क्वेश्चंस नॉट सेट में नहीं आते फिर मज़ा नहीं आता। डी एक्स मीन्स क्या होता है, डायग्नोसिस, डायफ्राम, डेथ या क्या, इसका राइट आंसर होगा डायग्नोसिस। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फॉर्महाइडिन इन कंसेंट्रेट फॉर्मलिन, ठीक है, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो अपनी परसेंटेज फॉर्मलिन होता है वो हमारा 40% होता है। नेक्स्ट, हु इज़ द कंज्यूमर ऑफ ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कंज्यूमर किसे कहा जाता है, पब्लिक को, सिविलिंग, बच्चों को या पेशेंट को, जो हॉस्पिटल के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट्स, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, रिलेटिव्स की है, हॉस्पिटल्स की है,
पेशेंट की या डॉक्टर की, तो हमेशा ध्यान रखना अगर हम जब मेडिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं तो पेशेंट का रखते हैं, ना कि हॉस्पिटल का, रिलेटिव्स का भी नहीं और डॉक्टर्स का भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हॉस्पिटल्स, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो रखती है वो कौन रखती है? तो हॉस्पिटल रखती है पेशेंट्स के, उनका। पेशेंट हैज़ ए राइट टू गेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उनको क्या करोगे आप? ईमेल्स करोगे, ओरिजिनल्स, स्कैनिंग या कॉपी। तो उसको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। विच मेथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग, ये बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी की ड्रेसिंग और स्टरलाइज आपको करना है तो ड्राई हीट नहीं होगा, पाश्चुरण मिल्क लिए करते हैं, और टैंडिलेशंस हैवी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द ऑटोक्लेव। प्लीज़ सभी फ्रेंड्स बताएं, जो मैं सेशंस लिखता हूँ आपको कैसे लगते हैं? प्लीज़ हमारे आरएनए टीम से जुड़े रहें, बेस्ट रन बेस्ट होगा। और कॉन्टेक्ट पे लगे हुए इंसान सभी परमानेंट होंगे, आप डोंट माइंड, घबराइए मत। बस थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल तक का भी हो सकता है। सो प्लीज़ पढ़ाई अपनी जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहें, पता भी नहीं लगेगा। 10th month मैं आपसे धीरे धीरे बातें करता था, देख लो 9वां महीना चला गया, 10वां भी आधा महीना जाने को हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज, इलनेस और इंजरी इज टर्म एज। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को या कोई अपना नॉन है किसी को, उसको बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद उसको दोबारा पुनः उस अच्छी कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? तो क्या हम उसको इलनेस कहते हैं, डिसेबिलिटी क्वारंटीन कहते हैं, या रिहैबिलिटेशन? तो रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनः उन्हें उसी स्थिति में लाना। एक ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशन ध्यान रखना, अगर रिसीवर डिस्पेरेस हो रहा है तो इसका मतलब होता है डिकोडिंग, और अगर ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो आएगा एनकोडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डिकोडिंग। हमें ऐसा लगता है कि जब हम एक बुक को पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, और हमें अगर किसी के बारे में ये कहते हैं ना कि आज आपको इसके पूरे बारे में सब कुछ भाई बताना शाम तक, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ले लो पूरी रिएशनल सहित बता देंगे हम इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या आपको है क्या नहीं, सारी चीज़ें। तो इसी तरह एक बुक को भी पढ़ो और उसकी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो उसमें है, बेस्ट है गुड है, सारा ऐसे लपेटर धर दो जो आपको जैसा कि सब कुछ आता है। पेशेंट एड है एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी, एक पेशेंट है जिसको एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है, और जब भी सर्जरी हो ध्यान रखना, जब भी किसी पेशेंट को सर्जरी हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर ICF की बात करें तो हमेशा आपका पोटेशियम होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूड्स जो होता है, और एक्सटर्नल ECF की बात करें तो आपका सोडियम होगा, ठीक है। अगर पेशेंट का पोटेशियम लेवल बढ़ता है तो आपको कार्डियक डिजीज हो सकती है, और आपका ECF बोले तो सोडियम और डिस्टर्ब होता है तो आपका ब्रेन हिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सॉलिड इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी की बात हुई है तो पोटेशियम को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, सोडियम के साथ क्लोराइड होता है और पोटेशियम के साथ फॉस्फेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कलर कोडिंग ऑफ फॉर नाइट्रो ऑक्साइड सिलेंडर, जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड विद वाइट की करें तो O2 का होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई है नाइट्रो ऑक्साइड की, तो फ्लू ब्रेंचेज होता है, ब्लू ब्रेंचेज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसका नॉर्मल कितना होगा? तो 16 से 20 हम नॉर्मल, या 12 से 20 भी आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा, ये हमारा नॉर्मल बीट पर मिनट होता है, ठीक है। मात्रक हमेशा ध्यान रखें। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपके सामने, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, टीस्पून मेडिसिन इज इक्वल टू, टीस्पून की बात है, टेबल की नहीं है, ध्यान रखना। टीस्पून मतलब छोटा, टेबल मतलब बड़ा,
तो टी स्पून इक्वल टू होता है 5 ml, कितना होता है 5 ml। नेक्स्ट, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट। एक बच्चा है, इन्फेंट है, इन्फेंट कितने साल के बच्चे को बोलते हैं, तो इन्फेंट 0 से 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, DPT लगाना है किसी पेशेंट को, ठीक है। और इन्फेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 0 से 1 साल तक क्या बोला जाता है, 0 से 1। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 से 1 साल के बच्चे को इन्फेंट्स, ठीक है, और 1 साल से 3 साल का बच्चा होता है जो क्या होता है, टॉडलर, ठीक है, और 3 से 6 साल का बच्चा प्री स्कूलर, और 6 से 12। देखो आप भी लगा सकते हैं, खूब पता है 0 से 1 साल तक बच्चा इन्फेंट, 1 से 3 टॉडलर, आप पता है बच्चा 3 से 6, तो प्री स्कूलर होगा क्योंकि 4, 5 से 6 साल तक के बच्चे को हम भेजते नहीं, तो प्री स्कूलर, और 6 से अगर 12 हो रहा है तो स्कूलर, और उसके बाद तो एडोलसेंट में आ ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे DPT, डिप्थेरिया पर्टोसिस टिटनस लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंजेक्शन रेडियोसिटी इनटू द बॉडी। ठीक है, तो पेट, MRI, CT में या रेडियोग्राफी, तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा, पेट, आल्सो नोन रेडियोस्टिक होता है, और इमेजिंग करते हैं इसमें किसके टेक्निक्स यूज, विजुलाइज ओवर द इंटरनल और बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, नोट कर लेना, छाप लेना, ठीक है, इसमें ह्यूमन साइंस को नोट किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ अगर मान लीजिए ये आपकी, आपका कहीं भी आपको जहाँ इन्फ्लामेशन होगा वहाँ आपको रेडनेस भी देखने को मिलता है, स्वेलिंग भी होती है, और वो गर्म भी होता है, जब गर्म हो तो हम कहते हैं कि इस पर बर्फ़ लगा लेना ठंडा, और या ठंडा ज़्यादा हो रहा हो तो हम बोलते हैं इस पर कोई गर्म सेक कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखें, पर पेलोर नहीं होता भाई, ठीक है, क्या नहीं होता, पेलोर नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, प्लीज़ एक बार आप सभी लोग बताएं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, और मिलते हैं कल और ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। जिन बच्चों को ABG का टॉपिक लाइव पढ़ना हो, जब भी हो तो आपका मन हो, कमेंट सेक्शन में एक दिन बता देना, उससे बहुत शानदार तरीके से ये पढ़ाएंगे, और हर एक एग्ज़ाम में आपको ABG का क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, क्यों है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्यों मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अनकम्पनसेट, कम्पनसेट, कैसे वैल्यू निकालेंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो KGM की हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं, और क्लासेस भी आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, और प्लीज़ आप हमारे 10K करने में सहायता करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और NHM की तैयारी और ऑल स्टेट में किसी भी प्रकार के होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू जारी है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके, बाय बाय।